सो बेसिकली रिपेयर किसे बोलते हैं? अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन में बोर्ड आता है, या फिर डेस्कटॉप का हो या फिर लैपटॉप का हो, तो हम उसे ढूंढते हैं खराबी क्या है, बाय स्कीमेटिक या फिर खुद के नॉलेज से हो या फिर एक्सपीरियंस के हिसाब से हम जो ढूंढते फिरते हैं, और मिल जाता है जब वो कंपोनेंट, तो उसे हम चेंज करते हैं, मतलब रिप्लेस करते हैं, उसको रिपेयर बोलते हैं। तो देखो कुछ कुछ केसेस में क्या है, जो एक्स्ट्रा कारिकुलम होता है और मतलब बाईपास वगैरह जो होता है, तो वो अलग बात है। तो देखो इस बोर्ड में एक प्रॉब्लम है जो कि मैं शेयर कर रहा हूँ, और लगभग बहुत टाइम लगा, एक छोटा सा प्रॉब्लम है, पर ना जाने ये है बोर्ड या फिर इस टाइप का बोर्ड कितने लोगों के पास आया, और इस छोटा सा प्रॉब्लम की वजह से रिटर्न कर दिया बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि ऐसी टाइप की प्रॉब्लम मैं भी देख रहा था, पर फेडअप हो चुका था इसके ऊपर, पर मैं भी इसको रिटर्न करने वाला था, पर थोड़ा सा ध्यान दिया तो मुझे एक छोटा सा प्रॉब्लम लगा, और उसके बेस पे ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो अभी भी कुछ मैंने किया नहीं, बस ढूंढ के रखा है वो कहाँ पर प्रॉब्लम है हमारा। देखो तो ये पावर दिया, तो ये रैम का एरर है, मतलब मेरे पास लगभग जितने रैम था सारा मैंने देखा, एक भी रैम पे दोनों स्लॉट पे बारी बारी से देखा मैंने, ठीक है। तो ये रैम का एरर है। अब देखो रैम का एरर में क्या होता है, ज़्यादातर अगर रैम का एरर हमारा आता है तो हम क्या करते हैं, रैम कंट्रोलिंग आईसी को देखते हैं, स्लॉट को देखते हैं, या फिर रैम बदल बदल के देखते हैं, या फिर सीपीयू सॉकेट में देखते हैं कोई पिन्स हमारा जो है ब्रोकन है, या फिर टच है एक के साथ एक, ये देखते हैं। तो सारा मैंने लगभग देख लिया, तो इसका वोल्टेज वगैरह जो यहाँ पर बनता है, इसका जो रैम का कंट्रोलिंग है आईसी है, तो उसमें से भी प्रॉपर वोल्टेज निकल रहा है, पर क्या है रैम हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अभी सोल्यूशन क्या होगा मैं बताता हूँ, थोड़ा सा और भी सुन लो। तो देखो इस बोर्ड में अगर हम देखें, तो ये मैं फिर से चला दिया और एक बार दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो बीप कर रहा है, मतलब क्या है रैम का अगर बीप करे तो क्या होना चाहिए, इसका एसपीडी वीडीडी मिसिंग हो सकता है, एसएम क्लॉक मिसिंग हो सकता है, एसएम डेटा मिसिंग हो सकता है, वीडीडी मिसिंग हो सकता है, मतलब कुछ भी मिसिंग नहीं है फिर भी ये बीप कर रहा है। तो अभी मैं इसको टिगर देता हूँ दूसरी बार और एक बार दिखाता हूँ, ये देखो रैम का बीप कर रहा है। अभी जो रैम का सप्लाई है ये देखो, अभी वो रैम का सप्लाई भी है। अच्छा स्लॉट में अगर चेक करें तो एसपीडी वीडीडी कितने वोल्ट पे मिलता है, 236, ये देखो 3.3, मतलब लगभग सारा वोल्टेज जो जो रिक्वायर है रैम के लिए सारा मैंने देख लिया, फिर भी रैम जो है हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अभी स्लॉट भी लगे हाथ एक बार चेंज करके देता हूँ, रैम भी मैंने बहुत सारा चेंज किया फिर भी हुआ नहीं, तो प्रॉब्लम मैंने फाइंड आउट किया, तो मैं बस दिखाने के लिए और एक बार ये रैम स्लॉट भी चेंज कर रहा हूँ। और रैम को देख लो, ये जो डेटा का रैम है इस पे ही डिस्प्ले आएगा, ठीक है। तो ये मेरा रैम है, तो ये देखो इस स्लॉट पे डाला सेम, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं है और कंटिन्यूअसली रैम का जो है इरर भी देके जा रहा है। तो देखो इस टाइप के प्रॉब्लम में मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है केस, जो कि अगर आप चाहो तो आपके पास अगर ऐसा बोर्ड आए हैं और ऐसा प्रॉब्लम के साथ, तो यहाँ पर जो आपका रैम कंट्रोलिंग का जो आईसी होता है पीडब्ल्यू आईसी, वो आप चेंज करके एक बार देख सकते हो, पर मेरा केस में ऐसा नहीं है। तो देख सकते हो इसका, अच्छे से देख लो इसका जो स्लॉट है, ये देखो इसका जो स्लॉट है बिल्कुल क्लीन है, मतलब आपको देख के लगेगा नहीं कि इसका स्लॉट कुछ खराब है, ठीक है, जिसका स्लॉट प्रॉपर क्लीन है, और मैंने इसको ऑलरेडी थिनर देके क्लीन किया है, फिर भी ये रैम का ही एरर आ रहा है, ठीक है। अभी प्रॉब्लम कहाँ पर है अभी मैजिक दिखाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, एक मैजिक दिखाऊंगा इसका रैम जो है सपोर्ट कर लेगा। मैजिक ये है, ना तो मैं एसएमडी चलाऊंगा ना तो मैं शोल्डरिंग स्टेशन चलाऊंगा। तो क्या करूंगा, मेरे को चाहिए एक कटर ऐसे टाइप की, और ये लिया कटर,
ये मैंने कटर लिया, और यहाँ पर एक कैपेसिटर है जिसको मैं हटा दिया। ये एक सेकेंड, सॉरी, कहाँ गिर गया ये? अच्छा, साइड में है, ये हटा दिया। बस इस कैपेसिटर को हटा दिया मैंने। ये देखो अभी मैजिक होगा। एक सेकेंड, लिक्विड कहाँ है? ब्रश लगेगा। तो ये डाल दिया और थिनर डाल दिया, थोड़ा सा क्लीन कर दिया ताकि ये जुड़ा ना रहे। तो अभी देखो कैप्सिटर यहाँ पर गिर गया है, कहाँ पर मैं ढूंढ के दिखाता हूँ, वो शॉर्ट है। तो इसी के वजह से ये रैम सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो यही रैम था एडेटा का, यही लगाता हूँ और इसी स्लॉट पे ही लगाता हूँ, दोनों स्लॉट पे चेक करवा देता हूँ। ठीक है, लगा दिया। अब थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, ये आ गया, पावर दिया, ट्रिगर, ये करने बीप नहीं करेगा 100%। डिस्प्ले आ गया। तो यही होता है रिपेयर। तो बेसिकली कहाँ गिरा ये मुझे दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा ढूंढ लूँगा तो मिल सकता है। ट्वीज़र कहाँ है? ये एक दिखा है, यही होगा। तो कटर से गिर गया है कहीं पर, यहाँ पर ही तो गिरा भाई, कहाँ गया? एक सेकेंड, ये वाला होगा क्या? हाँ, ये वाला ही है, ये वाला है जो उखाड़ के दिया। तो पीछे थोड़ा सा ये हो गया इसका। तो देखो डिस्प्ले इसका आ गया, और बीजीए पे देखने की किसी को ज़रूरत नहीं है। ये देखो ये बंदा शॉर्ट था। तो ये ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगा। तो ये छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम ही आता है बोर्ड में। अगर प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है आपको, सारा जगह पे सही है, पर आप परेशान हो रहे हो कि क्या करूँ भाई, तो ऐसी टाइप का छोटा मोटा कुछ फॉल्ट रहता है। ठीक है, मैं दिख रहा है कैमरा पे? हाँ, तो एक साइड में लगा देता हूँ, एक सेकेंड, इस साइड से उखाड़ा इसलिए ये ले नहीं रहा है। ये शॉर्ट है। अच्छा, ऊपर नीचे लाता हूँ इसको। ये इतना खराब हो गया कि ये ले भी नहीं रहा है, पर ये शॉर्ट है 100%। ओ सॉरी, देखो DC 20 पे रख के, DC 20 पे मैं मल्टीमीटर रख के शॉर्ट दिखा रहा हूँ। कितना उल्लू जैसा काम कर रहा हूँ। ये देखो शॉर्ट है, 0.1, और कंटिन्यूसली बीप कर रहा है। ठीक है, ये देखो ये मेरा हाथ हिल रहा है इसलिए कंटिन्यूसली इतना टाइम कैपेसिटर बीप नहीं करता है। ठीक है, तो यही था छोटा सा एक केस स्टडी, नॉलेज, इसको नॉलेज बोलते हैं। इसको कोई ट्रिक, नाइस ट्रिक करके कमेंट मत करना। ठीक है, ये कोई ट्रिक नहीं है, इसको रिपेयर बोलते हैं। क्योंकि वहाँ पर अगर मैंने कुछ रस्सी वस्सी लगा देता तो ट्रिक हो जाता, मतलब जम्पर वाइपर से कुछ काम करता, तो उसको ट्रिक बोलते हैं। तो ये हुआ है प्रॉब्लम जो था, फाइंड आउट किया, उसको उखाड़ा। अब मैं चाहूँ यहाँ पर कैपेसिटर लगाऊँ ना लगाऊँ, कैपेसिटर आप चाहो तो लगा सकते हो, ना लगाओ तो भी चलेगा। पर मेरे ख्याल से अगर चाहो तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कैपेसिटर इनपुट करना चाहिए, और किसी भी बोर्ड से आप सेम साइज का, वैल्यू देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, सेम साइज का कैपेसिटर लगा दो। अब रही मुद्दा, ये कैपेसिटर शॉर्ट होने पर रैम क्यों नहीं ले रहा था, अभी मैं वो टॉपिक दिखाता हूँ थोड़ा सा। कैपेसिटर खराब हो भी सकता है पर रैम क्यों नहीं ले रहा था? अभी देखो बोर्ड को टिगर दिया, देखो बीप सुनोगे तो समझ जाना डिस्प्ले आ चुका है। कीबोर्ड पे बाद में दिखा दूंगा मैं। ये डिस्प्ले आया,
ये पहला वाला मल्टीमीटर का आवाज़ था, सेकेंड वाला जो था टैटा टैक किया। तो अभी देखो यहाँ पर, एक सेकेंड, ये देखो 1.5 वोल्ट कितना है, 1.5 वोल्ट जो कि ये कैपेसिटर से फिल्टर हो रहा था। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको एक कैपेसिटर लगा देना चाहिए, और मैं भी इसे लगा देता हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं लगाओगे यहाँ पर तो SMD चला नहीं सकते हम, तो ये शोल्डरिंग स्टेशन से ही करना पड़ेगा, क्योंकि SMD चलाएंगे तो ये जो रैम स्लॉट है थोड़ा बहुत गंदा हो जाएगा, जल जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। तो देखो ये जो 1.5 वोल्ट था, ये वोल्ट को ये बंदा शॉर्ट होने के वजह से ये ग्राउंड कर रहा था, और ताकि स्लॉट पे हमें वोल्टेज मिल रहा था पर ये ग्राउंड कर रहा था, तो जिसके वजह से अब देखो यहाँ पर ये ग्राउंड है इसका, तो ये वोल्टेज इधर पॉजिटिव में है, तो ये वोल्टेज जो है 1.5 वोल्ट हमारा कहाँ पर बनता है, रैम में मिल जाएगा। ये देखो रैम पे चेक करता हूँ, ये देखो 1.5 वोल्ट, और यहाँ पर 1.5 वोल्ट, सेम वोल्टेज है, पर वोल्टेज हमें स्लॉट पे मिल रहा था पर ये ग्राउंड हो रहा था, कहीं ना कहीं से हमें ये रैम को मतलब एक्टिव होने दे नहीं रहा था। तो देखो केस स्टडी तो छोटा सा था, पर सीखने को इसमें बहुत कुछ था, ठीक है, क्योंकि ऐसा ऐसा बोर्ड, ये वीडियो जो देख रहे हो ना जाने कितने बोर्ड रिटर्न किए हो इसके चक्कर में, शायद मे भी ये कैपेसिटर ना हो, ये ख़राब था या फिर ये ख़राब था, और ऐसे रैम मतलब फिडअप हो चुके हो आप, रैम ले नहीं रहा, इधर उधर सारा IC उखाड़ डाला, फाड़ डाला, चीट डाला, फिर भी नहीं हुआ, रैम स्लॉट को मतलब क्लीन किया, इधर उधर ट्वीज़र लगा के ऐसे ऐसे करके नॉब को पिन्स को बाहर निकाला, फिर भी नहीं हो रहा। तो ये छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम आता है मदरबोर्ड में, बेसिकली इसको ढूंढना पड़ता है और ढूंढ के प्रॉपर रिपेयर करना होता है। तो देखो ये छोटा सा केस स्टडी मैंने शेयर किया, अगर किसी को भी काम तो ज़रूर आएगा, एक ना एक दिन आएगा, चलो आज नहीं तो कल काम आएगा ही, और इस बोर्ड पे ना सही किसी और बोर्ड पे आएगा। तो वीडियो देखते रहो, और अच्छा लगे तो एक लाइक भी ठोको। तो लव यू ऑल, मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी में, लव यू ऑल, जय हिंद।